हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे होममेड चॉकलेट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है ये व्हाइट कंपाउंड और उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। डबल बॉयलर मेथड में इसको मेल्ट कर लेंगे। आप इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक पैन में पानी ले लिया है नीचे, और ऊपर हमने चॉकलेट अपना छोटा छोटा पीस कट करके रख लिया है, और गैस ऑन है, फ्लेम थोड़ा सा हाई है, और चलाते हुए इसको मेल्ट करेंगे। ये देखिए, ये हम लोग का मेल्ट हो चुका है। अब हम ले लेते हैं चॉकलेट मोल्ड। अपने ऐसे मोल्ड में चॉकलेट डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। ये मैं केक डेकोरेशन के लिए बना रही हूँ, तो इसमें मैं कम डाल रही हूँ। आप चाहे तो पूरा फुल भी कर सकते हैं। आपको मतलब जो साइज़ का चॉकलेट बनाना है वो साइज़ का आप बना सकते हैं। और अच्छे से इसको टैप करना है। टैप करना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाए। और इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे को व्हाइट और ग्रीन ये दो कलर का चॉकलेट बनाना है। वही फिर सेम प्रोसेस दोहराएंगे, मोल्ड में डाल के थोड़ा थोड़ा, फिर अच्छे से मोल्ड को टैप कर देंगे। आज की मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बार टैप कर रही हूँ, क्योंकि ये टैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे एयर बबल्स निकलेंगे तब अपना चॉकलेट एकदम अच्छा बन के आएगा। फिर हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिए। ये देखिए, अब आराम से निकाल लेंगे। ऐसे करके हम सारे चॉकलेट निकाल लेंगे। चॉकलेट बनने के बाद कभी भी फ्रिज में मत रखिएगा उसको, बस अपना रेपर में रैप करके बाहर ही रखिएगा। और देखिए, जो साइड में कोना कोना लगे रहता है उसको हम निकाल देंगे, और ये हम लोग का चॉकलेट बनके एकदम रेडी है। ये मैं आपको प्लेन चॉकलेट बना के दिखाई हूँ। आप चाहे तो कोई फ्लेवर चॉकलेट या ड्राई फ्रूट्स वाला भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।